स्कैरी है? व्हाट इज सो स्कैरी? ले लो, खुद खा लो। मॉन्स्टर स्कैरी, आप ईट करो। जल्दी जी ईट करो, जल्दी से ईट करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी ईट कर लो मम्मा के हैंडी से। अच्छा इसको रखो, खुद खाओ, खुद खा लो, यहाँ से लो ले पाइट, ये लो। ना गंदा। नो 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 नो, इधर आ जाओ। आई लव यू एलिफेंट, इधर आओ, मैं प्यार करती हूँ एलिफेंट से। ही इज माय एलिफेंट। योर इज डोंकी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ पे बज गए 3 और आज ऐसे है कि आहत के लिए, आहत ने जाहिर ट्यूशन जाना है, उसको खाना खिलाई थी पर वो खाना खा लिया, तो मैंने रोटी खाना शुरू कर दी। कल दाल पकाई थी, दाल रोटी, उसके लिए इतना सा साधन ही बहुत होता है, जैसे आपने देखा कि खाता ही नहीं है खाना, इतना सा लगा के खाएगा, अगर खाएगा भी इतना सा लगा के खाएगा। छोटी सी घी वाली रोटी थी उसकी, ये और ये दाल थी, लेकिन उसने वो भी नहीं खाया, वो दूध पिएगा। एक्चुअली मैंने इसके भी नेल्स कट दिए, और जब ये नेल्स कट होते हैं तो इतना रोता है, इतना रोता है, रमदान इतना रोता है, पूरा घर सर पे उठा लेता है, और ऐसा लगता है पता नहीं क्या हम इसे कह रहे हैं। तो अभी इसको जो है क्या नाम है तैयार करूंगी, मैंने नहला धुला दिया, लेकिन कपड़े भी इसलिए नहीं बनाए, नीचे लेटता है जमीन पे तो कपड़े गंदे कर देगा, फिर दोबारा चेंज करने पड़ेंगे। ये जो कपड़े पड़ेंगे धुले थे और इन धुल के ये सूख गए हैं, अंदर आ गए, पैसे लगेंगे। अब इसको भेजूंगी, फिर उसके बाद अपना काम करूंगी, अपनी सफाई वगैरह करूंगी, और फिर उसके बाद देखेंगे, फिर उसको ले आएंगे, फिर इसके आने का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी मजबूरी में सफाई वगैरह नहीं होगी। चलो पहले मैं ये वाली रोटी फिनिश कर लूँ, वेस्ट ना हो जाए। आहत को मैंने अभी ट्यूशन भेजा था, तैयार श्यार करके खाना छाना खिला के नहला धुला था, ट्यूशन भेजा है, और ट्यूशन भेजा है, और मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं अपनी सफाई कर ही रही थी कि उसकी टीचर का फोन आ गया, लिटरली वो 4:30 बजे गया और 4:45 अभी हो रहे हैं, और उसकी टीचर का फोन आ गया कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत रो रहा है आज, तो आप उसे वापस ले जाए। और वो रो इसलिए रहा है क्योंकि अब्दुल्ला उसको दरवाजे में उतार के और खुद वापस आ गए। अब मैंने उन्हें वापस भेजा है, मैंने कहा जाए उसे लेके आए। मैंने जब भी उसको मैं छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैं उसके पास बैठ उसको कहती हूँ आप अंदर जाओ, मैं इधर बैठी हुई हूँ, और मैं फिर जब उसका ध्यान इधर उधर होता है मैं आ जाती हूँ। और आज अब्दुल्ला को मैं जितनी दफा कहती हूँ ना कि आप उसका ध्यान बटा के आइएगा, अब्दुल्ला नहीं ऐसे करते, अब्दुल्ला आराम से उसको बाहर छोड़ देते हैं, खुद बाइक पे बैठे रहते हैं और आ जाते हैं। और वो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, वो कह रही है कि ये काबू में नहीं आ रहा, जमीन पे लेट रहा है जैसे आहत करता है। जब आहत अपने आई में आया हो तो बस फिर वो जब जैसे करता है, तो अब बस फिर वो उसको लेने गए हैं। आपको पता है स्कूल वाले तो फिर भी कंट्रोल कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ट्यूशन वाले नहीं करते, उनके बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। सो बस अब आहत को लेके आएंगे और देखो क्या करता है। रोना डाला हुआ उसने, बाप को देख लिया तो वापिस आते हुए। जितनी दफा अकेले अब्दुल्ला जाते हैं ना, उतनी दफा आहत के साथ यही होता है। जिस दिन अब्दुल्ला ने अकेले छोड़ने गए हैं, आहत को ऐसे ही हुआ 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हम लेने जा रहे हैं। सो खैर अभी तो उसको मेरे ख्याल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं आया कि नहीं आया। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। और जिन्होंने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। तो देखें आहत आ रहा है कि नहीं। आज आपने वहां पे तंग किया ना, ओ उठाओ नीचे से बिस्किट। हाय हाय मम्मी, हाय बेबी,
नो नो, ये ना बिस्किट, बिस्किट बिस्किट, इट्स टाइम टू ईट बिस्किट्स। कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। आपका जूता इस साइड पे पड़ा है, आपने नहीं जाना होता है। अब्दुल्ला उठ जाए, नहीं उठना। आहत चलो मैं जा रही हूँ। बाय बाय आहत, बाय बाय आहत। आपने तो नहीं जाना ना, मम्मी डैडी जाए ना, गिर जाओगे। मैंने आपको लेके नहीं जाना, आपके जूता उस साइड पे पड़ा, मेरी वाली साइड पे। वो रोना शुरू हो जाएगा, पता भी है ना इस बात का, चीखे मारेगा। आ नहीं जाना ना, आप इधर रहो रूम में। आपके शूज है, मैं पूछा यू विल स्टे एट होम। शूज आप बाहर रख के आए हो ना? जीरो जीरो। से हाय डैडी का भी, हाय कर दो। ऑन बाइक? ओके। बाइक पे किधर जाना? लेट्स गो विद हेलमेट। हेलमेट इज एट होम। हाँ वी फॉरगॉट हेलमेट, मी वी फॉरगॉट। कोई तो हेलमेट का याद है? वेज हेलमेट डैडी। हाँ आपको तो बहुत इतनी सारी चीजें याद होती हैं। वेज हेलमेट डैडी। फिश। हाँ देयर इज अ फिश। यू वांट टू ईट अ फिश? चलो। यस डोनट्स अ फिश। वाओ डोनट्स की देना है? यस डोनट्स है नहीं, डोनट्स नहीं है उधर कहीं पे। चले जी, हम लोग अभी बाहर गए हुए थे और कुछ चीजें वगैरह ली, कुछ डायपर्स वगैरह लेने थे। मैंने उसके शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाए बिकॉज बहुत दफा आप लोग देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं बाहर जाके। सो कुछ खास तो किया नहीं। तो हम फिर घर आ गए, दोपहर में आहत आया था, ट्यूशन से वापस आ गया था, तकरीबन कोई 10 मिनट बाद ही वापस आ गया था। जब आया तो वो रो रो के इतना बेचारा हाँफ चुका था कि उसको नींद आई थी, वो सो गया। चलें जी, हम लोग अभी बाहर गए थे, बाहर से हम घर आ गए वापस और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, चीज़ें वगैरह ली। वहाँ पे मैंने शूट वगैरह नहीं किया बिकॉज रोज़ की एक एक रूटीन ही थी। और जो है क्या नाम है, कपड़े आके चेंज किए हैं, आहत को चेंज करवाए। सो बस अब जो है वो सोए वगैरह गए। आहत सुबह जब ट्यूशन से आया तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया और रोते रोते फिर उसने जो है क्या नाम है सो गया। अब्दुल्ला के जाने तक वो जो है ना वो रोता रोता था, फिर बाइक भी सो गया। जब घर आया तो सो रहा था, फिर सब सो के उठा, खेलने शुरू हो गया। फिर अब हमें उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसको थोड़ी देर बाहर लेके गए ताकि वो स्कूल से भाग ना जाए। अब जो है वो ऐसा है कि मैं भी कल से थोड़ा सा ज़रा रात से सुबह से अब ऐसा है कि मैं भी ज़रा थोड़ा सा डर गई हूँ आज कि पता नहीं शायद मेरा डिसीजन सही है गलत है ट्यूशन भेजने का उसे, बिकॉज सब मुझे बार बार कह रहे हैं कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आई नो ये बहुत छोटा है, अभी 2.5 साल का है, बट ना वो टिकता नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है क्या नाम है, हम चाहते थे मेरी शुरू से था कि जैसे ये थोड़ा सा बैठना शुरू होगा, थोड़ा बोलना शुरू होगा तो इसे ट्यूशन भेजेंगे। एक्चुअली घर में ये है ना, घर में मैं उसको कुछ नहीं कह सकती बिकॉज जो हमारे घर के बड़े हैं वो उसको कुछ नहीं कहने देते, ना कुछ कहने देते हैं। और इवन उसको अगर हम कुछ कह रहे हो ना तो वो हमें डांट देते हैं उसको, इसको कुछ ना कहो।
तो फिर वो बच्चा जो है ना वो शेर हो जाता है कि मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा ना, उसमें कुछ डर होता है, डर भी नहीं रहता उसमें किसी चीज का, ना माँ का, ना बाप का, ना सही गलत का। तो मेरी एक कोशिश ये थी कि ये जब बाहर जाए तो एटलीस्ट जब लोगों के साथ मिले, टीचर के साथ मिले, बच्चों को देखे, उनके माहौल में घुले मिले। दूसरा, हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, ये अकेला है, अकेला खेलता रहता है। तो मेरा था कि एक खुले, मुझे पढ़ाई से कोई नहीं है कि ये जाकर मुझे आज ही पढ़ के दे और PhD करके दे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट एक बच्चे में ठहराव होता है ना, वो आता है जब वो चार अलग बच्चों को देखता है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये उससे उस ठहराव आने की बजाय ये और ज्यादा शरारती हो जाए, कुछ और सीख के आए। पर ठीक है, हर चीज को अगर मैं सोच के चलती रहूंगी तो फिर तो कभी भी नहीं कुछ भी हो सकता। तो मेरा डिसीजन ये था कि ये पढ़े या ना पढ़े कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये बैठे, इसे पता हो कि मैंने माँ बाप के बगैर थोड़ी देर कहीं पे रहना है, कहीं पे बैठना है। जो 2.5 सालों में ये आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि हमने इसे 1 मिनटों के लिए भी कहीं छोड़ा, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। क्योंकि इसके ग्रैंड पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते कि इसको 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए भी माँ बाप के बगैर कहीं छोड़ा जाए। तो जब घर में बड़े होते हैं, बच्चे को स्पॉइल करने वाले होते हैं ना, तो बच्चा कुछ नहीं सीखता। तो बस मैं यही चाहती थी कि थोड़ा सा सीखे और ये, लेकिन अब मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि कल पहला दिन था ये रोया, और रोया सिर्फ ये इसलिए क्योंकि उसने गलती अब्दुल्ला की थी। अब्दुल्ला ने देखा, अब्दुल्ला इसके सामने से निकल कर आ गए, जबकि मैं जाती हूँ तो मैं इसको थोड़ी देर जो है ना बहका के रखती हूँ कि ये जो है ना वहां पर थोड़ी देर इसका ध्यान इधर उधर हो, आया जो है वो इसको क्लास में लेके जाए, तो मैं फिर आती हूँ, फिर निकलती हूँ पीछे से। अब्दुल्ला इसके सामने से ही निकल आए तो इसने बस रोना डाल दिया और ये 10 मिनट भी वहां पे नहीं टिका। उसके बाद भी टीचर ने उसको कहा कि अगर ये बैठता है अब्दुल्ला के जाने के बाद, अगर ये अंदर आता है बैठता है तो मैं इसको जो है ना इसको अंदर ले आऊँ, लेकिन वो फिर गया ही नहीं। जाहिर है उसने बाप देख लिया था, उसे पता चल गया था कि ये बाप मुझे छोड़ के चला जाएगा या दोबारा शायद ना चला जाए, तो इस वजह से। अब मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को भी ये गलत लग रहा है, मुझे वैसे इर्द गिर्द के जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब पढ़ना शुरू करेगा तो जिंदगी भर पढ़ना है, जिम्मेदारियां निभानी है, तो अभी छोटा सा है। बिल्कुल छोटा सा है, पता है हमें कि वो छोटा है, लेकिन अगर हम उसे छोटा छोटा करके उसे कुछ भी नहीं कहेंगे तो कैसे होगा। एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी कोई चीज होती है, सिर्फ पढ़ाई कुछ नहीं होता, बच्चे में एक पर्सनैलिटी भी होती है। मेरे बच्चे का दिमाग जितना मर्जी जहीन क्यों ना हो, जब तक उसमें एक ठहराव नहीं होगा, वो फोकस नहीं होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये फैसला सही है या गलत है। कल तो मैं परेशान होगी थी, और मतलब आज तो मैं परेशान होगी थी, मुझे नहीं पता ये फैसला गलत है या सही है। आज तो मैं परेशान होगी थी, लेकिन जो है फिर भी अब्दुल्ला ने मुझे कहा नहीं, हम इसी फैसले के साथ स्टिक रहेंगे और इसी फैसले के साथ जो है ना हम इसी फैसले पे रहेंगे। अब आज ट्यूशन जाएगा कल, अब ये कल फिर ट्यूशन जाएगा तो फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस ये कुछ बातें थी जो मैंने करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा है, तुमने क्यों डाल दिया, तुम पागल हो गई हो, ये हो गई हो। तो पागल नहीं होगी, मैंने पहले ही सोचा था जब भी 2 साल का हुआ था, बहुत शैतानियां शरारतें करना शुरू हुआ था, मैं तभी सोचा था मैं इससे पहले 6 महीने तो ट्यूशन डालूंगी ही डालूंगी, 6 महीने, साल, 1.5 साल, जब भी ट्यूशन जाना है। और 1 घंटे की बात है, ये वहां पे आज तक अभी 1 हफ्ता हो गया इसको जाते रखो, इसने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। मतलब लाइक अगर मैं हूं ना कि मैं कहूँ कि हाय इसको फीस देनी पड़ेगी और ये पढ़ क्यों नहीं रहा, तो वो ये एक लफ्ज जिसे कहते हैं ना, इसने एक हर्फ एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। और जी मौसम अच्छा हो गया है, और मौसम अच्छे के साथ साथ हमारे दरवाजे भी खुलना शुरू हो गए हैं। अभी तो खैर मौसम बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रात को भी ठंड लगना शुरू हो गई, थोड़ी पंखे के नीचे बाजू में मेरी आज दर्द है, और वही पट्ठों का मसला चल रहा है, मेरा वही दर्द हो रही है, कभी इस हाथ में फोन पकड़ रही हूँ, कभी इस हाथ में फोन पकड़ रही हूँ, लेकिन ठीक है, ये सेहत तंदुरुस्ती भी साथ साथ चलती रहती है।
मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन. कल देखते हैं आखिर क्या करता है, जाता है ट्यूशन नहीं जाता है, वहां रोता है, बैठता है नहीं बैठता है, या कल भी छुट्टी करवाती हूँ मैं उसे, कल भी हो जाती है. ठीक है, मुझे मेरे बेटे की दुआओं में याद रखना है. अपने अपने अपना अपने रिश्तेदारों को बहुत ख्याल रखना है और वीडियो को मस्त लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट में बताना है डिसीजन मेरा ठीक है या गलत. आई रियली डोंट नो. ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय.